हमारे बीच हमारे आरक्षी वन आरक्षी के साथी और समर्थक हमारे और राज्य के दिशा और दशा को बेहतर बनाने के लिए तत्पर हमारे बीच उपस्थित वशिष्ठदा उपस्थित हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि वे भी अपना आशीर्वचन रखें इस शुभ अवसर पर। This is very much glorious moment that we are celebrating the 78th Independence Day, and we are now, we all together are collaborating and we are celebrating this memorable day. That's why we just have to respect each and everybody who have done this country independent. So बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि गोपेश भाई सब कुछ बोल दिए हैं। तो यहाँ भारतवर्ष के स्वाधीनता संग्राम में जो भी वीर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको हमें उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए ही आज का दिन है। तो इसीलिए बस ये कहावत हमेशा कही जाती है कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो शहीदों के मजारों पर अगर हर बरस सिर्फ मेले लगेंगे लेकिन उस पर अगर कोई अगर हम उस दिन को याद करते हुए अगर अपनी कार्य शैली को नहीं बदलेंगे, अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे, उस हिसाब से शहीदों को याद नहीं करेंगे और उनके द्वारा चले गए कदमों का अनुसरण नहीं करेंगे तो फिर ये दिन मनाना व्यर्थ है। और गोपेश भाई जैसे भी बोले कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इट इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 1 में आप देख सकते हैं कि इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो 28 राज्यों का जो हमारा यूनियन है इंडिया, भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ होगा, वी आर यूनियन बट वी आर स्टेट कंटेम्पररी, मतलब हम यूनियन संघ जरूर है लेकिन हम राज्य भी है, हमारा राज्य का अस्तित्व है। इसीलिए हमारे राज्य के विचारधारा से आज 1932 का हथियार के लिए जो भी आंदोलन चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य का अस्तित्व